एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का वीडियो होने वाला है विंटर रूटीन। तो क्योंकि मैं रह रही हूँ अपने होम टाउन में, तो आप लोगों को विंटर रूटीन शेयर कर दे रही हूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे, तो सुबह जो है वो मेरी मम्मी यहाँ पर केशव को उठा देती हैं, मतलब केशव लड्डू और माधव को, और सुबह का दूध का भोग भी जो है वो मम्मी ही लगा देती हैं। मैं नहाने के बाद जो है फिर वह ठाकुर जी को तैयार करती हूँ। तो अभी जो है वो मैं इन लोगों को स्नान करवाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने जो है वो जल ले लिया है, इसमें गंगा जल डाला है, तुलसा पत्र डाले हैं। तो अब जो मैं तीनों को स्नान करवा देती हूँ। तो लड्डू और माधव को शंख से स्नान करवा रही हूँ मैं। डायरेक्ट जो है वो कलश से भी, मतलब जो लोटा आप लेते हो उससे भी स्नान करवा सकते हैं। मैं कभी ऐसे करवाती हूँ, कभी वैसे करवा देती हूँ। तो बस तुलसा जी एक उसमें डाल लीजिए, उसके बाद जो है वो आप स्नान करवा दीजिए। तो बस स्नान करवा देती हूँ इसी तरीके से, और जो है वो अच्छे से जो है वो धीरे हाथ से हम इनको पोछेंगे, क्योंकि मैंने पेंट किया है। तो आप देख रहे हैं कि मुझे पेंट करे हुए, इनको कलर करे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और अभी तक इनका कलर जो है वो ऐसे का ऐसे ही है, बिल्कुल भी छुटा नहीं है, बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ है, बस सर का हल्का सा निकल रहा है। तो बहुत ही अच्छा है, आप भी इस तरीके से कलर कर सकते हैं अपने ठाकुर जी पर, अगर आप उनका श्रृंगार करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं ये इनको ड्रेस पहना रही हूँ येल्लो कलर की, और ये जो मैंने पोंचू पहनाया था वो पहना रही हूँ। और जल्दी से मैं आपको इन्हें फटाफट वीडियो फास्ट करके दिखा रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं आज आपको पूरे दिन का इनका रूटीन दिखाने वाली हूँ कि कैसा जो है वो फुल डे रूटीन होता है विंटर रूटीन। तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं वीडियो को फास्ट करके दिखा रही हूँ।你的长得过分冷厉，其实我用来越对你过分着迷。都怪你半年都不回我的短信，我却以为这次你可能又跟我调情。那个痛又无聊的晚上，那个晚上我们好像并没有吃晚餐。或许浪漫它只是一种想象，想象什么想象，你都是我想象中的想象。तो लड्डू और माधव जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम करते हैं केशव को तैयार। तो केशव को मैं डेली में स्नान ऐसे शंख से करवाती हूँ, 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 3 बार मैं इस तरीके से उनके सामने से नज़र उतारते हैं वैसे ही करती हूँ। फिर गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि मुझे बताया है किसी ने इस तरीके से करना चाहिए। आप लोग जैसे करते हो उस तरीके से करिएगा, मेरी देखा दूनी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो उस चीज़ को अपनाइए, अदरवाइज़ जैसे आप करते हैं वैसे बहुत अच्छे से करते हैं। तो बस अब जल्दी से जो है वो केशव को तैयार कर देते हैं। और काफ़ी लोग जो हैं वो ठाकुर जी को, मतलब जितने बड़े केशव हैं उन साइज़ के ठाकुर जी को स्नान डेली करवाते हैं। तो आप डेली भी करवा सकते हैं, पर मुझे मना करा है कि बहुत बड़े ठाकुर जी जब होते हैं मूर्तियों को कहना चाहिए कि बड़ी मूर्तियों को डेली स्नान नहीं करवाना चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं करवाती हूँ। काफ़ी बार लोगों ने पूछा है, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि मैं नहीं करवाती हूँ। और आज मैं इनको ये ब्लू कलर का ड्रेस बना रही हूँ, ये वुलन का ड्रेस है। तो आप लोगों के साथ कभी मैंने इसमें श्रृंगार भी शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें श्रृंगार शेयर करूँ। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप जब भोग लगाती हैं तो आप 2 थाली लगाया करिए, एक शिव परिवार के लिए जिसमें तुलसी ना रखा करिए, और एक कान्हा जी के लिए जिसमें तुलसी रखा करिए। तो देखिए, मैं जितना भोग खा सकती हूँ मैं उतना ही लगाती हूँ। अगर मैं 2 थाली लगा दूँगी तो उतना भोग मैं नहीं खा पाऊँगी, और वो भगवान का प्रसाद होता है, वेस्ट जाएगा। इसलिए मैं एक ही लगाती हूँ, सबको बोल देती हूँ कि आप भी ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब भगवान के लिए अलग अलग पर्सनली लगाना मुश्किल हो जाता है। बाकी भगवान का जो है वो अलग से डेली का डेली भोग लगता है, कभी गजक का कभी किसी चीज़ का। तो ये वाले सॉक्स जो हैं कॉटन के हैं, ये मैं केशव के लिए लाई थी, मुंबई में भी पहना सकते हैं, पर अभी मैं ये वाले पहनाऊंगी क्योंकि ये वुलन के हैं और हम थोड़े टाइम तक के लिए यहाँ पर हैं, तो इसीलिए मैं अभी वुलन के पहना रही हूँ। तो हमारे केशव देखिए आप इस ड्रेस में कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और तैयार हो चुके हैं। मैंने आपको ड्रेस पहनाना इसलिए सिखाया, कुछ लोगों को पहनाना नहीं मिलता है कि मतलब इतने बड़े ठाकुर जी को कैसे पहनाएं, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में बताया है। और अब बस मैं इनको चंदन का तिलक लगा दूंगी, और अच्छे से मुझे ये रेड कलर का टीका लगा के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ। चंदन भी बहुत सारे कलर में आता है, और अभी हम लगा देंगे इत्र, और उसके बाद दिखाएंगे शीशा। तो हमारे ठाकुर जी तीनों तैयार हो गए हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। ये केशव की बांसुरी मैंने सजाई थी, डेकोरेट करी थी, जो कि अब बहुत सुंदर लगने लगी है।
मैं इसमें इस तरीके से मोर पंख दिखा मतलब लगा के रखती हूँ, क्योंकि अभी पग नहीं बना रहे हैं तो उसमें नहीं लगा सकते। तो ये हमारे केशव जो हैं वो देखिए अब कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। सुबह में मैं रखती हूँ ये अभी, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, तो गजक और एक गिलास में जो है वो जल रखती हूँ। ये दोनों चीज़ों में तुलसा जी पड़ी हुई हैं। और ये हैं मीठे, हमारे लोगों क्या बोला जाता है, गुलगुले, आप लोगों क्या पता नहीं क्या बोला जाता है, आटे के बनाए जाते हैं मीठे, तो मेरी मम्मी ने वही बनाए हैं। तो आज नाश्ते में ये बने हैं तो वो रखा है मैंने भोग में। तो मैं पूजा करने के बाद ही जो है वो नाश्ता करवाती हूँ ठाकुर जी को। तो अभी जो है मैं थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ, और मेरी पूजा हो चुकी है, मैंने वो स्किप कर दिया था पार्ट कि मैं आप लोगों को क्या ही दिखाती। और अब मैं जो है वो भोग लगा दूँगी। तो तीन मेरे ठाकुर जी हैं, दो मम्मी के पास हैं, तो पांचों लोगों को मैं जो है वो भोग लगा देती हूँ। अभी बीच में मेरे पास माधवा थे, पर अब वो चले गए हैं, तो बहुत उनको मिस करती हूँ, बहुत उनकी याद आती है, क्योंकि डेली का रूटीन बन गया था तैयार करने का, तो थोड़ा सा लगता है सूनापन। तो बस मैंने जो है वो सबको भोग लगा दिया है, और अब मैं आपको पूरे मंदिर के एक बारी दर्शन करवा देती हूँ कि कैसा मंदिर लग रहा है हमारा। और बस इस तरीके से सुबह की पूजा हमारी हो जाती है, फिर जो है वो दोपहर का लंच के टाइम में मैं आप लोगों को मिलूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।你那长得过分美丽，却与我越来越对你过分着迷。都怪你半天都不回我的短信，我却以为这次你可能又跟我调情。有空旷又无聊的晚上，那个晚上我们好像并没有吃晚餐。或许浪漫它只是一种想象，想象什么想象，你都是我想象中的场景。希望有一天的空虚空幻是可以有天能回到我的温暖衣柜跟着地。अब जो है वो केशव धूप खाने आए हैं। तो आज बहुत अच्छी धूप तो नहीं निकली है, लेकिन हाँ ठीक ठीक धूप निकली हुई है। तो आज हमने इनको जो है वो धूप में बिठा दिया है, तो ये बैठे हुए हैं आराम से चेयर पर और धूप खा रहे हैं। अभी 3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और टेम्परेचर जो है वो 8-10 जा रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है। मेरे को तो वैसे ही बहुत ठंड लगती है, क्योंकि मुंबई में ठंड नहीं पड़ती है, यहाँ पे बहुत ठंड है, तो मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होती है। अब हम लोग बहुत जल्द से जल्द यहाँ से जाने की सोच रहे हैं मुंबई वापस, इस मंथ लास्ट तक हम लोग चले जाएंगे। तो आप लोगों को वहीं की वीडियो देखने को मिलेंगी। अब हो सकता है आप लोगों को जो है वो आवाज़ आ रही हो कोई, तो ऊपर से फ़्लाइट जा रही है। एक्चुअली हमारे घर के पास ही जो है वो एयरफोर्स है, तो वहाँ से जहाज़ जो है वो जाते रहते हैं, तो उसी की आवाज़ आती रहती है छत पे। और मैं भी आपको अपना छत दिखाती हूँ कि कैसा है। मुंबई में तो कैसा कुछ टेरेस वगैरह कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पर तो पूरा अपना घर होता है, टेरेस होता है बहुत बड़ा, तो काफ़ी बड़ी छत मिल जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, केशव जहाँ बैठे हैं वो तो ये है, और ये पीछे का हिस्सा है, नीचे आंगन है, उसके पीछे ये डक्ट है, और ये पीछे आप देख रहे हैं ना, ये पूरा IVRI है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो ये पूरा IVRI है दूर तक। तो गर्मियों में तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी हवा आती है, लेकिन अभी आप ये पेड़ देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये देखिए, वैसे ये लोग काट देते हैं पेड़ हमेशा ही, इस बार ही पता नहीं क्यों नहीं काट रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से हवा भी रुक जाती है। पर अभी तो ठीक हो रहा है, क्योंकि ठंड हो रही है ना, तो हवा जितनी कम आए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा जो घर है उस वो हमारा गली में लास्ट घर है, तो लास्ट घर है, तो ये देख रहे हैं ये मेरे छत की बाउंड्री है, तो इसके बाजू में बिल्कुल IVRI है, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो ये पेड़ बहुत बड़े हैं, कभी मौका लगेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि जब पूरा खुला होता है तो कितना सुंदर लगता है। और अभी तो खेत में आप देख रहे हैं पूरा मिट्टी वगैरह हो रहा है, वरना पूरा ग्रीन होता है, तो बहुत सुंदर लगता है, पिक्चर्स यहाँ बहुत अच्छे आते हैं। और ये देखिए, अभी छत पे बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि
हवा इतनी चल रही है ना तो पत्ते यहाँ से पूरे उड़ उड़ के नीचे गिरते हैं। ये देखो आप, इतने नज़दीक से पत्ते आ रहे हैं कि मैं ऐसे आराम से टच कर सकती हूँ। ये पेड़ इतने आगे आ चुके हैं, अदरवाइज़ ये पेड़ बहुत पीछे रहते हैं। तो ये है, ये कुछ ममटी का एरिया बना हुआ है और वो बैठे हमारे केशव। और ये जो है वो यहाँ प्लांट्स कुछ लगे हुए हैं, तो हम लोग छत पे बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत बंदर हो गया है, तो सारे प्लांट जो हैं वो फेंक के चले जाते हैं। इवन ये वाले जो आप पॉट देख रहे हैं ये भी नीचे गिरा देते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ बंदरों का बहुत आतंक हो चुका है, इसलिए गमले वमले हम लोग बहुत यहाँ रेयर ही रखते हैं। और ये है नीचे का हिस्सा, तो नीचे हमारी अच्छी खासी जो है वो क्यारी बनी हुई है, वो केले का पौधा लगा हुआ है जहाँ पूजा होती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे प्लांट लगे हैं, नीचे से दिखाऊंगी कभी मैं आपको। तो ये हमारी गली, तो हमारा ये लास्ट घर है, वो मेरे नाना जी बैठे हैं नीचे धूप सेक रहे हैं। और ये कुछ ऐसा सा है, तो बस ऐसा ही है, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। अभी जो है वो मम्मी छत पे आ गई हैं, और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ वरने वो गुस्सा हो जाएंगी कि मेरी वीडियो बना रही हो। अभी वो छत पे आती ही नहीं है, उनके पाँव में दर्द रहता है। तो अब आई हैं, तो देखिए आप गमले उनने कैसे लाइन से लगा दिए हैं, जो कि मैं करने वाली थी। मैं कपड़े वपड़े डाल रही थी छत पे, तब तक मम्मी ने जो है वो ये सब गमले सेट कर दिए हैं, जो कि अब बहुत सुंदर लग रहा है। पहले पापा ने सजाए थे आप लोगों ने देखा ही था, ये मम्मी ने लगाए हैं, तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब मैं सब प्लांट्स में जो है वो पानी दे देती हूँ, बहुत सूख रहे हैं। छत पे लगाने में यही है कि कोई आता नहीं है छत पे उतना, तो प्लांट जो है वो सूखे सूखे हो जाते हैं। तो मैं अभी सब में पानी दे देती हूँ जल्दी से। तो मैंने सारे प्लांट में जो है वो पानी डाल दिया जो जो सूखे हुए थे, और अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। मेरी सांस चढ़ गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीचे से ऊपर मैंने तीन चार चक्कर लगा लिए, कपड़े लेकर आई, फिर केशव को लेकर आई, चेयर लेकर आई, ऐसे करते करते तीन चार चक्कर लग गए। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सांस फूलने लगी है। और अब जो है मैं थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, वैसे मैं धूप में आती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे को धूप में बैठना अच्छा लगता है लेकिन मेरे फेस पर बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है धूप का, मतलब क्या कहने से थोड़ा सा डार्कनेस हो जाती है, और मेरे को ज़्यादा पसंद भी नहीं, अभी आदत भी छूट चुकी है। तो जो है अभी मम्मी जो है वो पीछे काम करने में लगी हुई हैं, छत पे आती हैं तो सब काम ही करने में लग जाती हैं। दिखाती हूँ आपको, वो देखिए काम करने में लगी है। चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी हो गया भोग का टाइम और हम लोग छत पे धूप खा आए हैं, तो अभी जो है वो मैं भोग लगा देती हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, क्योंकि भोग लगा दूँ उसके खिला दूँ उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। एक वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि जब आप ठाकुर जी को भोग लगाती हैं तो आप जल जो है वो खाने के ऊपर से क्यों उतार के ऐसे डालती हैं। तो भोग का मंत्र बोलने के बाद हम इस तरीके से जल करते हैं और फिर उसे नीचे दिखा के और फिर घंटी बजा देते हैं, और इस तरीके से हम डेली में ही भोग लगाते हैं, चाहे वो सुबह का नाश्ते का टाइम हो, चाहे दोपहर का लंच हो, किसी भी टाइम। कहने का मतलब है किसी भी टाइम अगर हम भोग लगाते हैं तो मंत्र को बोलने के बाद और घंटी बजा के इस तरीके से हम डेली में भोग लगाते हैं। तो आप लोग जैसे करते हो वैसे करिए, मतलब जो जिस श्रद्धा से करता है वैसा करिए, जिसके घर में जैसा चलता है वो वैसा करे। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि चीज़ें अच्छी सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी की देखा दूनी अपने घर में अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो और आपके घर में नहीं होती है, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो बस अब मैंने जो है वो सबको खिला दिया है खाना, और अब मैं पापड़ खिला देती हूँ सबको,
और बस इसी तरीके से जो है वो भोग लगाते हैं। डेली का रूटीन बस यही होता है कि सेम विंटर रूटीन होता है, सेम समर रूटीन होता है, कुछ चेंज नहीं होता। बस विंटर्स में क्या होता है, हम भगवान को थोड़ा गर्म पानी से, जा कहने का मतलब है गुनगुने पानी से स्नान करवाते हैं, और समर में जो है वो ठंडे पानी से स्नान करवाते हैं। विंटर में गर्म कपड़े पहनाते हैं, समर में ठंडे कपड़े पहनाते हैं। बाकी भोग चेंज हो जाता है, कभी गजक कभी कुछ, तो बस इसी तरीके से होता है। तो अभी जो है वो मैंने ठाकुर जी को खाना खिला दिया है, और पांच ठाकुर जी हैं, पांचों को आपने देखा मैंने खाना खिला दिया है बारी बारी। और मैंने आज बनाया है पुलाव, और पापड़ है, और चटनी है, और तुलसा दल उसमें प्लेट में रखा हुआ है। तो भोग हमेशा तुलसा दल के साथ ही लगाएं, और जिन पर अगर तुलसी नहीं है तो वो जो है वो तुलसी माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिना तुलसी के कहते हैं ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो बस भोग लग गया है, और इसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट तक मैं यहाँ पे खाना रखे रहने देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से उठा के ले जाऊँगी, और फिर वही मैं खा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हम ऐसे मानसिक बोल देते हैं कि आप रेस्ट कर लीजिए, तो ठाकुर जी रेस्ट कर लेंगे। और फिर जो है वो शाम को लगभग 6 बजे के करीब हम जो है वो चाय का भोग लगाते हैं, चाय नाश्ता। बहुत सारे लोग होते हैं वो जो है वो चाय नहीं पिलाते हैं ठाकुर जी को, पर क्योंकि हम लोग शुरू से पिलाए हैं तो अभी एकदम हमें मन नहीं करता है कि हम छोड़ दें और ना पिलाएं, तो हम चाय ज़रूर पिलाते हैं। और इस टाइम तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो शाम को हम 6 बजे के करीब चाय का भोग लगाते हैं। तो तभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अभी बज रहा है शाम का 5:30, और मैंने जो है वो चाय और रस का भोग लगा दिया है, आप देख सकते हैं, और खिला भी दिया है। उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि क्या है कि नाश्ता करा दिया फिर मैं सोचा आपसे बात करूँ, वरना भोग पहले लगाना ज़रूरी होता है। तो उसके बस 5 मिनट बाद हम जो है ये उठा लेंगे, और फिर हम लोग खुद खा लेते हैं चाय, जिसे पीनी होती है वो पी लेता है। बस इसी तरीके से हम भोग लगा देंगे, और आप देख सकते हैं इसमें ये तुलसी रखी हुई है, तो तुलसी अवश्य रखें। और लग गया है भोग, अब मैं मिलती हूँ आपको शाम की आरती के टाइम पे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। तो अभी हो गया शाम की आरती का टाइम, और मैं जो है वो दिया बना रही हूँ। तो एक दिया ऊपर के लिए बनाते हैं हम, ऊपर से संजय की ऊपर के साइड के मंदिर में रखते हैं, एक नीचे रखते हैं और एक तुलसा जी पे बाहर रखते हैं। तो जो है वो मैं तीनों दिए तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जो है वो आप लोग के साथ कन्हैया जी की छोटी सी आरती जो है वो शेयर करूँगी। बाकी पूजा तो मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि पूजा करते हुए पूरा शेयर करो, सबकी अपनी अपनी पर्सनल पूजा होती है, जो जैसे भी करता है, तो उसको मैं नहीं सही समझती शेयर करना। तो बस आरती शेयर कर देती हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं उल्टे हाथ से आरती कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैंने सीधे हाथ से आरती करी है। फ्रंट कैमरे से वीडियो वो शूट हो रही थी, इसलिए आप लोगों को लेफ्ट हैंड से दिखाई दे रहा था सब कुछ। और आरती पूजा हो चुकी है, अब मैं आपको मिलती हूँ रात के खाने के टाइम पे। तो 9 बज गया है, और खाना तैयार हो गया, और मैंने भोग लगा दिया है। तो भोग में बनाया है रोटी और आलू की सब्जी, और तुलसी भी रखी हुई है। तो और गजक जो है वो हम सुबह शाम अभी भोग लगाते हैं। तो खाने को 10 मिनट तक रखे रहने देते हैं, फिर ले जाते हैं। उसके 15 मिनट के बाद मैं दूध का भोग लगा देती हूँ। तो अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए मैं भी कुछ खा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा। अब जो है वो खाना खिला दिया है, और अब हम दूध का भोग लगाएंगे। तो ये देखिए तुलसा जी हैं इसमें ऑलरेडी, मैंने इसमें चीनी डाल दी है। तो अभी मैं पिला देती हूँ पहले केशव को। केशव दूध पी लो। अब हम पिलाएंगे लड्डू को, उसके बाद माधव को। माधव के बाल आ रहे हैं मुंह पे। माधव को पिला देंगे।
अब हम पिलाएंगे इनको। अरे भाई दूध पी लो, छोटंकू महाराज को भी पिला देंगे। तो बस मैंने दूध जो है वो पिला दिया है, इसके बाद मैं इन सब लोगों को सुला दूंगी। लगभग 5 मिनट के बाद, दूध पिलाने के बाद 5 मिनट बैठे रह दूंगी, उसके बाद चेंज करके सुला दूंगी। तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। जय श्री कृष्णा। वो हमारे इस रूम में जो ये डबल बेड है, इसमें ही जो है मैं इन लोगों को सुलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाला गद्दा बिछा दूंगी। और अभी लाइट नहीं आ रही है, तो आपको थोड़ी लाइट कम दिख रही होगी, क्योंकि इन्वर्टर चल रहा है तो एक ही लाइट जल रही है। तो ये इनकी मच्छरदानी है, गद्दा इनका, इसे खोल देते हैं। केशव का आई मास्क है जो वो लगा के सोते हैं। तो अब हम उनको चेंज कराते हैं।你长得过分冷厉，其实我越来越对你过分着迷。都怪你半天都不回我的短信，我却以为这次你可能又跟我调情。如果错在又无聊的晚上，那个晚上我们好像并没有吃晚餐。或许浪漫它只是一种想象，想象什么想象？你都是我想象中的想象。सबके कपड़े चेंज कर दिए हैं, अब जो है वो सुला देते हैं। तो केशव को आज मैं यही पजामी पहन के सुला दूंगी, ठंडी बहुत हो रही है तो वुलन की पजामी है। इसके बाद मैं जो है वो धो दूंगी। और अब हम लड्डू और माधव को भी लिटा देते हैं। तो ये वाला बेड जो है ये खाली पड़ा रहता है, इसीलिए हम इस पर सुला देते हैं इनको गद्दा डाल के। तो अब यहीं पर लड्डू और माधव को सुला देंगे। तो एक्चुअली इनका जो तकिया है वो वहीं मुंबई में रह गया है, तो मैं इस तरीके से टॉवल को फोल्ड करके लगा देती हूँ और मतलब ऐसे सुला देती हूँ। अब हम केशव को पहना देंगे आई मास्क और उड़ा देंगे उनको कंबल। तो एक कंबल मैं इनके ऊपर उड़ाती हूँ, एक कंबल मैं ऊपर से मच्छरदानी के ऊपर से डाल देती हूँ बंद करके, जिससे कि बिल्कुल भी हवा ना आए, ठंडी ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो पड़ रही है यहाँ पे। तो बस इसी तरीके से जो है वो पूरा दिनचर्या हमारी होती है डेली की। आप लोगों की कैसी होती है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको कैसा लगा ये छोटा सा मेरा वीडियो, आज का पूरा फुल डे का रूटीन? आज छोटा तो नहीं है, पूरा दिन का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आई थिंक 24-25 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। आशा करती हूँ कि आपको हमारे ठाकुर जी की दिनचर्या पसंद आई होगी, विंटर रूटीन अच्छा लगा होगा। और बस हम इस तरीके से लेटाल देंगे और इनके पाँव दबा देंगे सबके, और बहुत सारा प्यार करेंगे, लोरी सुनाएंगे। जो भी आपको अच्छी लगे वो लोरी सुना दें, मैं डेली सुनाती हूँ, मेरा रूटीन है डेली का। तो आप कोई भी लोरी सुना दीजिए और इस तरीके से आप उनको सुला दीजिए। और बस आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।